हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 15 जून के करंट अफेयर। ठीक है, इससे पहले हमने 14 जून तक के करंट अफेयर कर लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल के लिस्ट पर जाकर, वीडियो लिस्ट पर जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और एक वीडियो जो है वो है 1 से लेकर 13 जून तक के पूरे करंट अफेयर का एक ही वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। और उसका पीडीएफ आप उसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री में होता है पीडीएफ। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन है, इसे दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। और सामने एक बेल का आइकन आएगा, उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में सौर चरखा मिशन कौन लॉन्च करेगा। ठीक है, तो सौर चरखा मिशन लॉन्च करेंगे रामनाथ कोविंद, जो हमारे राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को सौर चरखा मिशन लॉन्च करेंगे, जिसमें शुरुआती 2 वर्षों में 50 क्लस्टर के लिए 550 करोड़ रुपए की सब्सिडी होगी। इस योजना का लक्ष्य 5 करोड़ महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को पहल के लिए जोड़ना है। 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, तो चरखा मिशन जो याद रखना है आपको, सौर चरखा मिशन तो ये कौन लॉन्च करेंगे, रामनाथ कोविंद। कब करेंगे, तो 27 जून को करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में वियतनाम में पहले बैल प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किसने किया। ये उद्घाटन किया पिक्चर में आप देख सकते हैं, फोटो में, निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी रक्षा मंत्री। तो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हनोई वियतनाम में नौरत्न रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, जिसको कहा जाता है, बेल का फुल फॉर्म होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये याद रखिएगा, ये पहले प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय का उद्देश्य जो था वो था हथियार प्रणालियों, रडार सिस्टम, नौसेना प्रणालियों, सैन्य संचार प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली और तटीय निगरानी प्रणाली जैसे क्षेत्रों में बीईएल के निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका कार्य को क्या करना है, बेल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ये जो कार्यालय है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हनोई और यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग, तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। हाल ही में तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए रेल मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। देखिए रेल मंत्रालय अभी बहुत सारे ऐप लॉन्च कर रहा है, जिसमें रेल मदद, मेन्यू ऑन रेल, अटसन मोबाइल, स्फूर्ति, ये चारों के चारों जो है वो रेल के ऐप हैं। ठीक है, रेल जो है उसके ऐप हैं। तो रेल मदद अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था कि रेल में सुरक्षा के लिए, मेन्यू ऑन रेल में क्या है, मेन्यू ऑन रेल में जो है खाने से संबंधित है, और ये अटसन मोबाइल जो अभी लॉन्च हुआ है इसमें अनारक्षित टिकट, जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो आप अनारक्षित टिकट के तहत जाते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, अटसन मोबाइल से आप डाउनलोड या वो कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ बता देता हूँ, रेल सूचना प्रणाली केंद्र CRIS ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन अटसन मोबाइल विकसित किया है। यूजर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और विंडोज स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। कहा गया है कि यात्री अपना मोबाइल नंबर, नाम, शहर, डिफॉल्ट बुकिंग और ये सब डालकर क्या कर सकते हैं, अपना पंजीकरण कर सकते हैं, और इसके बाद में अनारक्षित टिकटें और प्लेटफॉर्म टिकटें भी यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है अटसन मोबाइल जो है वो किसके लिए है, तो वो अनारक्षित टिकटों के लिए है, मेन्यू ऑन रेल खाने के लिए है, और रेल मदद, रेल मदद के लिए है। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न है कि 2018 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, जो कि कल से शुरू हुआ है। आपको मालूम है 14 जून से ये फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो इसकी मेजबानी कर रहा है रूस। 2018 फीफा वर्ल्ड कप ये 21वां संस्करण है, ये भी याद रखिएगा, 14 जून 2018 से 15 जुलाई 2018 के बीच रूस के एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल पुरुषों का फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो रूस इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है वो प्रथम बार कर रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद में 2022 में जो है वो है कतर में। ठीक है, और 2026 में जो है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर कराएंगे। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कोयला मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं, तो कोयला मंत्रालय के सचिव जो बने हैं वो ये बने हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह। ठीक है, इंद्रजीत सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह शास्त्री भवन कार्यालय नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में प्रभार संभाला है। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह सचिव के रूप में पद संभाला है, जो सुशील कुमार जो है सेनानिवृत्त के बाद में खाली पड़ा जो पद था वो इन्होंने संभाला है, इंद्रजीत सिंह ने। और जो पीयूष गोयल है वो कोयला मंत्री हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। छठा प्रश्न है कि हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 14 जून को मनाया गया है। ठीक है, ब्लड डोनेशन डे जो है वो कब मनाया गया है, तो 14 जून को मनाया गया। पूरी दुनिया में 14 जून 2018 को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादकों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षक चक्र के दान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आभार व्यक्त करना है। ठीक है, इस दिन जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को मुफ्त रक्तदान करने के
लिए प्रेरित किया गया। विश्व रक्तदान दिवस 2018 का जो थीम था, ये जो थीम होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ। ठीक है, बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ। ठीक है, तो ये जो इसका थीम है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, वन ब्लड डोनेशन कैन सेव अप टू 3 लाइफ। ठीक है, एक बार डोनेशन करने से आप 3 जान की रक्षा कर सकते हैं। ठीक, सातवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। ये कल मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था, और आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको ये पूरा का पूरा मालूम होना चाहिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे यहां आए थे रायपुर में, और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया था। तो ये कहां किया? रायपुर में। रायपुर स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नया रायपुर का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देश में परिचालित होने वाला 10वां स्मार्ट सिटी सेंटर बन गया है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 9 शहर जैसे कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, पुणे, नागपुर, राजकोट, विशाखापट्टनम, भोपाल और काकीनाड़ा में ICC का पहले से ही परिचालक हो चुका है। नया रायपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के 3 स्मार्ट शहरों में से एक है। यह अन्य 2 शहर रायपुर और बिलासपुर भी इसमें शामिल है। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि विश्व वरिष्ठ दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आज के दिन मनाया जाता है, 15 जून के दिन। ठीक है, विश्व वरिष्ठ दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को हर साल मनाया जाता है। यह आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त है। उक्त दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है बुजुर्गों के शारीरिक, पारिवारिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार की समस्याओं को केंद्रित करना, सामाजिक सरोकार की भावना जागृत करना, वृद्धजनों को उनकी उपेक्षा तथा उन पर हो रहे दुर्व्यवहार को रोकना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 जून को मनाया जाता है, वरिष्ठ दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। ठीक है, इसके बाद में 9वां प्रश्न जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। KVIC ने कश्मीर में कितने मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। तो ये किए हैं 2330 बक्से वितरित किए हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC एक दिन में अधिकतम मधुमक्खी बक्से वितरित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व रिकॉर्ड बना है। ठीक है, यह कश्मीर के कुपवाड़ा में जांगली सेना क्षेत्र में KVIC द्वारा हासिल किया गया। इसने विश्व मधुमक्खी दिवस 18 अगस्त के अवसर पर काजीरंगा वन क्षेत्र में मिंग जनजाति के बीच वितरित अपने पिछले 1000 मधुमक्खी बक्सों का रिकॉर्ड तोड़कर कितने वितरित किए हैं इस बार? 2330। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टिक लगा लीजिएगा सामने में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि जापान के प्रतिष्ठित किनेई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा? तो निकेई एशिया पुरस्कार। तो ये सम्मानित किया गया है बिंदेश्वर पाठक को, सामाजिक सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को जापान के प्रतिष्ठित निकेई एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार खराब स्वास्थ्य और भेदभाव से निपटने में उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए संस्कृति और सामुदायिक श्रेणी के तहत दिया गया है। 1996 में शुरू किया गया यह पुरस्कार एशिया में उन लोगों का सम्मान करता है जिन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार और संस्कृति और समुदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुरस्कार से संबंधित जो है तो याद रखिएगा, ये निकेई पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक को। ये हो गए आज के हमारे 10 करंट अफेयर। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों की सूची जारी की है, जिसमें कहा गया है कि महीने के तीसरे शनिवार छात्र संतों के प्रवचन सुनेंगे। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। बहुत सारे लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसा जवाब दिया है। तो इसका सही आंसर जो है वह राजस्थान। देखिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों की सूची जारी की है, जिसमें कहा गया है कि महीने के तीसरे शनिवार छात्र संतों के प्रवचन सुनेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान। ठीक है, आज का जो क्विज है वो है, हाल ही में किस देश ने कहा है कि नाटो की नई सैन्य योजना पूरे महाद्वीप के लिए खतरा है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने कहा है कि नाटो की नई सैन्य योजना पूरे महाद्वीप के लिए खतरा है। तो ये इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही लगाना है, जो जिसने ये कहा है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, जबकि उनको करना चाहिए ताकि वो करंट अफेयर से जुड़े रहें, ताकि वो आने वाले एग्जामों में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके और अपनी जॉब सुनिश्चित कर सके। ठीक है, करंट अफेयर का जो पार्ट होता है वो आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, शुरू से लेकर लास्ट तक इसको अच्छे से तैयार करिएगा। जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 1 से 2 मंथ के करंट अफेयर आपको एकदम मुंह जवानी याद होना चाहिए। ये आपके इंटरव्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो आपको करंट से जुड़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इसलिए आपको ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करा करिए, भले गलत हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन जरूर कमेंट किया करिए, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।